हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाएंगे रस मलाई। रस मलाई खाना किसको पसंद नहीं है यार, तो चलो देखते हैं बनती कैसे है। तो रस मलाई बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लेंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हमारा दूध बॉईल हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो अच्छे से फट चुका है। तो अब हम इसको एक कपड़े में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके विनेगर की स्मेल और खटासपन अच्छे से निकल जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लेंगे। और बस फिर इसको साइड में रख देंगे। फिर हम लोग अपनी रबड़ी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता। अब हमारा दूध बॉईल हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और बस हमारी रबड़ी रेडी है। तो हम इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे। तो चलो अब अपना छेना देखते हैं। आप देख सकते हो छेना बहुत ड्राई हो गया है तो हम इसको मैश करेंगे 10 मिनट तक अपने हाथों की हेल्प से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसको भी अच्छे से मैश करेंगे जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। अब हमारा छेना रेडी है तो चलो अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर ऐड की है और 4 कप वाटर ऐड किया है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब हम अपने छेने की बॉल्स बना लेंगे और इसको रसमलाई का शेप दे देंगे थोड़ा सा प्रेस करके। ऐसे ही सारी बना लेंगे। फिर हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे अपने हॉट बॉइलिंग शुगर सिरप में और फिर ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारी बॉल्स कितनी फूल गई हैं। तो बस हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। फिर अपनी बॉल्स एक बाउल में निकाल देंगे और इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई थी ना वो डाल देंगे। और बस हमारी रसमलाई रेडी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग का फेवरेट डेजर्ट कौन सा है। ओके, बाय बाय।